हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर का चांदन कस्बा फायरिंग के विरोध में बंद रहा। जैसलमेर के चांदन कस्बे में फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर शनिवार को बंद रखा गया। चांदन कस्बे के निवासियों ने फायरिंग जैसी घटना से आहट होकर यह कदम उठाया। उन्होंने चांदन पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन करके फायरिंग करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। चांदन कस्बे का मुख्य बाजार इस दौरान पूरी तरह बंद रहा। लोगों ने फायरिंग की घटना का विरोध जताते हुए बंद को समर्थन दिया। गौरतलब है कि चांदन बाजार में शुक्रवार शाम को फायरिंग की घटना से लोगों में काफी दहशत और गुस्सा है। भरे बाजार में एक युवक पर बाइक पर आए बदमाशों ने सबके सामने फायरिंग कर दी। युवक गेनाराम भील पर तीन युवकों ने देसी कट्टे से फायरिंग किया, मगर निशाना चूक जाने की वजह से युवक बच गया। घटना की जानकारी मिलने पर लाठी थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मगर बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस बदमाशों की तलाश सरगर्मी से कर रही है, मगर अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे लेकर लोगों में काफी रोष है। सदर थाना अधिकारी देव किशन ने बताया कि शुक्रवार शाम को चांदन कस्बे के बाजार में गेनाराम भील निवासी बहरवा पर लतीफ और उसके साथ आए दो अन्य युवकों ने फायरिंग की। गेनाराम ने दौड़कर अपनी जान बचाई। करीब दो से तीन बार फायर करने की बात सामने आ रही है। फायरिंग के बाद तीनों युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस को जानकारी मिलने पर हम मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गेनाराम और लतीफ के बीच कोई पुरानी रंजिश है, जिसके चलते पहले भी मारपीट आदि के मुकदमे हो रखे हैं। अब फायरिंग की घटना के बाद लतीफ अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। पुलिस फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश कर रही है। जागरूक टीवी के लिए जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।